नमस्कार, स्टेट बस न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतिमा सा। आइए बढ़ते हैं आज की तमाम खबरों की ओर। बीते दिनों सदर थाना क्षेत्र के रहुआ चौक से सहरसा आने वाले सड़क पर मनोरमा पेट्रोल पंप के कर्मी के साथ बाइक पर सवार अपराधियों द्वारा हथियार दिखाकर 4,67,000 लूट मामले का सहरसा पुलिस ने उद्भेदन किया है। मामले में पुलिस ने 5 अपराधी को हथियार के साथ धर दबोचा है। गिरफ्तार 5वां अपराधी का आपराधिक इतिहास लंबा बताया जा रहा है। SP लिपि सिंह ने सदर थाना में प्रेस वार्ता कर मामले का खुलासा करते हुए बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि कुछ अपराधी लोग हकपारा वार्ड नंबर 1 स्थित एक मकान में कोई अपराध करने की योजना बना रहे हैं। इस सूचना के सत्यापन एवं आवश्यक कार्रवाई करते हुए पुलिस ने घर की घेराबंदी कर घर को खुलाने हेतु कहा, पर अपराधी द्वारा पुलिस टीम पर कार्य में बाधा डालते हुए हथियार निकाल कर फायर करना शुरू कर दिया। बार बार कहने पर भी फायरिंग नहीं रोका गया। तब पुलिस ने बड़े ही सातवें तरीके से 5 अपराधी को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 1,90,000 लूट की घटना में प्रयुक्त एक लाल रंग का मोटरसाइकिल, 3 पिस्टल, 1 कट्टा, 10 जिंदा कारतूस, 7 खोखा और 7 मोबाइल भी बरामद किया गया है। कहीं ना कहीं पुलिस को यह बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। बताया जा रहा है कि जिले में लूट छिनतई की घटना में यह लोग हमेशा शामिल होते थे। किसी हॉल में है, उसके कर्मी के साथ एक लूट की घटना घटी थी, जिसने 4,67,000 रुपए जो है छीन लिए गए थे और उस पर फायरिंग भी की गई थी। तो इस पर अनुसंधान चल रहा था। हम लोग को सूचना मिली कि हकपाड़ा में एक घर में कुछ जमावाड़ा लोग किए हुए हैं और कुछ अपराध की योजना बना रहे हैं। त्वरित कार्रवाई की गई तो वहाँ से 4 लोगों को पाया गया कि एक अरुण यादव का घर है और वहाँ पर एक अमित पासवान जो कि किराएदार है वो रह रहा है। तो पुलिस को शंका हुई तो चारों तरफ से घर को घेरा गया और ये जो अपराधी थे वो छत पे चढ़ गए रात्रि का फायदा देख करके। पुलिस ने उसको घेरा और भागने के क्रम में अपराधियों ने फायरिंग भी की, जिसकी वजह से पुलिस ने फिर 5 राउंड फायरिंग की गई। धरपकड़ में 4 अपराधियों को पकड़ा गया और एक अपराधी उसमें से फरार हो गया। तो जो पकड़ाए गए हैं वो सबका आपराधिक इतिहास है। उसमें प्रमुखता गंगा शर्मा है, मोहन शर्मा है, राहुल कुमार है और ये लोग का एक गैंग चलता है। और उसके साथ में इन लोगों ने फिर बाद में बताया कि ये इन्हीं के गैंग ने वो जो सीहोल के जो पेट्रोल पंप वाले के साथ घटना हुई थी और उसमें उनकी निशानदेही पे हम लोगों ने 1,90,000 जो लूटा हुआ पैसा था वो बरामद किया गया। 3 पिस्टल मिली है, 1 देसी कट्टा मिला है, करीब 10 राउंड गोलियां हैं, 7 राउंड खोखा बरामद किया गया है, 7 मोबाइल फोन्स हैं, 1 रेड ग्लैमर मोटरसाइकिल जो कि घटना को देने में अंजाम दिया गया था उसको भी बरामद किया गया है। गंगा शर्मा पे करीब 10 केस रहे हैं पूर्व से, मोहन शर्मा पे 5 केस, अमित पासवान पे अब तक 18 केस हो चुके हैं और राहुल कुमार पे भी 8 केसेस हो चुके हैं। कुल मिलाकर के ये बड़ी उपलब्धि है और मुझे लगता है कि इस गैंग के डिटेक्ट होने से ये जो लूट और छिनतई की घटना हो रही थी वो उसमें अब रोकथाम लगेगी। तो मैम 4,62,000 रुपये लूट हुआ था, बरामद 1,90,000 ही हुआ है। इन लोगों ने बताया कि ये इनके द्वारा खर्च कर दिया गया है। रुपये किन के पास से बरामद? चारों के पास, उसी घर में बैठे हुए थे वो लोग। और इसके गैंग में कौन कौन शामिल थे? इसमें एक तो भाग गया है आशीष दास, उसी गिरफ्तारी करनी है। रतन झा है एक, वो इन लोग के लिए लाइनर का काम करता रहा है और उसके भी पूर्व में आर्म्स एक्ट का केस दर्ज हो चुका है और वो अब गिरफ्तार है। टोटल 5 अपराधियों की गिरफ्तारी हुई है, 4 की वो हकपाड़ा के घर से और फिर उनकी निशानदेही पे रतन झा को गिरफ्तार किया गया। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए स्टेट बस के YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।